पड़ गई दरार, नहीं थम रही गुटबाजी। शैलजा पर उदयभान के कड़े तेवर। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया था। इसके साथ ही 10 साल के बाद कांग्रेस की सूबे की सत्ता में वापसी की उम्मीदें की जाने लगी थी, लेकिन नतीजों के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह सार्वजनिक रूप से सामने आने लगी है। कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार घेर रही है। अब सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा के हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधने को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदयभान ने पलटवार किया है। कड़े तेवर दिखाते हुए उदयभान ने कहा कि अगर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रत्याशी उतारे हैं तो इसके लिए सबसे पहले दोषी कुमारी शैलजा ही हैं। वो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हैं और जब टिकट का आवंटन हो रहा था तो वो भी उस बैठक में मौजूद थी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के फैसलों पर टीका टिप्पणी करना किसी भी नेता के लिए उचित नहीं है। कुमारी शैलजा को हाईकमान के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। अगर कोई बड़ा नेता ऐसे बयान देता है तो पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक गलत मैसेज जाता है। कुमारी शैलजा को अनुशासनहीनता के चलते नोटिस देने के सवाल पर चौधरी उदयभान ने कहा कि कुमारी शैलजा पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेशों की प्रभारी रही हैं, वो मेरे से बाहर हैं। मैं उनको क्या नोटिस दूंगा, वह मेरी पावर में नहीं है। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, ऐसे बयानों से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। उदयभान ने आगे कहा कि कुमारी शैलजा के विषय में मुझे कोई बात करनी होगी तो कांग्रेस नेतृत्व से करूंगा, ना कि सार्वजनिक मंच पर। बता दें कि कुमारी शैलजा शुरू से ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और टिकट आवंटन से लेकर संगठन ना बनाने को लेकर सवाल उठाती रही हैं। हुड्डा और कुमारी शैलजा के सियासी रिश्ते जग जाहिर हैं। हरियाणा में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस में इसी तरह से अंतर कलह रही तो सूबे के सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि एक दूसरे के गुट के नेता एक दूसरे को जिताने की बजाय हराते हुए नजर आएंगे। ऐसे में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीद पर पानी फिरने की पूरी प्रबल संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।